अच्छा भाई, फर्स्ट अभी सैयद फाखर हसनैन हेयर। मैं आपके साथ ऑनलाइन लेक्चर शुरू करने लगा हूँ। एक दो मिनट वेट करेंगे ताकि सब लोग आ जाएं। अपनी जो वीडियोज़ है उसको ऑफ रखिए प्लीज़, और चैट बॉक्स को इस्तेमाल करें। चैट बॉक्स पे मुझे कंफर्म करें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है और ये जो मैंने स्क्रीन शेयर की है ये भी आपको विजिबल है। फर्स्ट बीवन के जो लोग मुझे सुन रहे हैं काइंडली मुझे चैट बॉक्स पे कंफर्म कर दें कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है और आपको स्लाइड्स विजिबल हैं जो मैं शो कर रहा हूँ। एक से दो मिनट में हम लेक्चर शुरू करेंगे। अच्छा भाई, मोहम्मद अफ़ान, मैं इतनी देर से बोल नहीं रहा था, वेट कर रहा था कि मैक्सिमम लोग आ जाएं, तो अब हम क्लास शुरू करेंगे। बस तो लास्ट क्लास पे हमने कहाँ पे बात रोकी थी? आई होप कि आप अब सवाल सबको आवाज़ आ रही है। इंटरनेट की वजह से कभी आवाज़ में थोड़ा बहुत ऊँच नीच होती है, थोड़ा सा वेट करने पर वो सही हो जाती है, और इन केस के वो रिटेन करे सही ना लगे आपको तो आप जो है वो लेफ्ट करके एक दफ़ा वापस आ जाएंगे तो सही हो जाएगी। वैसे सही हो गई तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, अब मुझे ज़रा चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें कि आखिरी चीज़ मैंने क्या पढ़ाई थी, नंबर वन और नंबर टू के। आई होप कि आप सबने लिख लिया होगा वो सारा कुछ जो हमने पढ़ा था, तो कॉपी लेके बैठे होंगे आप और पेन और मार्कर सब लेके बैठे होंगे, तो काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बता दें कहाँ तक पढ़ाया मैंने। दो लेक्चर लिए थे मैंने, थोड़ा इससे पढ़ाया होगा, जो भी जहाँ तक पढ़ाया मुझे कन्फर्म कर। अच्छा जी, चलो ठीक है। तो डेफिनेशन हमने केमिस्ट्री की पढ़ ली और एलिमेंट की पढ़ ली, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेक्चर के रूल जो है वो यार, ये मुबशर बता रहा है कि पढ़ाई है, तो मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ। सैयद मुबशर हुसैन ने मुझे बात बताई है कि केमिस्ट्री और एलिमेंट पढ़ाया है मैंने। चलो मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, एलिमेंट में रिपीट कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। जिन्होंने लिखी हुई है डेफिनेशन वो रुक जाइएगा, और जिन्होंने डेफिनेशन नहीं लिखी वो लिख लीजिएगा। केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो अगर नहीं भी लिखी तो खैर है, वो तो बस ऐसी पढ़ाई थी कि पता होनी चाहिए।
यस, तो एलिमेंट की डेफिनेशन से मैं लेक्चर का बाकायदा आगाज कर रहा हूँ। तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है भाई, कि एलिमेंट बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें लातादार एटम्स होते हैं। लातादार वो इंग्लिश में बोलेंगे इनफाइनाइट, और वो जो इनफाइनाइट एटम्स होते हैं वो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि उनमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं होता। तो हर वो सब्सटेंस जिसमें एटम्स हों और बहुत सारे हों, बेशुमार हों, और सारे के सारे एटम एक जैसे हों, उनमें किसी किस्म का डिफरेंस ना हो, आइडेंटिकल इंग्लिश का वर्ड है इसके लिए, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि यार ये आइडेंटिकल को हम कैसे पहचाने भाई, ठीक है ना, कोई आपसे क्यूरी करता है कि आइडेंटिकल कैसे पहचाना जाए, आइडेंटिकल है या नहीं, तो उसका भी तरीका है। उसका तरीका ये है कि आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद से पहचाने। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है तो वो आइडेंटिकल होगा, वरना आइडेंटिकल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे में भी 10 होने चाहिए, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, 100 में, 1000 में, जितने भी एटम वहाँ हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन अगर एक में 10 है तो सब में 10 होने चाहिए। अगर एक एटम में भी डिफरेंस आ गया इलेक्ट्रॉन का तो फिर वो एलिमेंट नहीं होगा। एलिमेंट की बड़ी सख्त शर्त है, और वो सख्त शर्त क्या है? हाँ भाई, वो सख्त शर्त क्या है कि उसमें जितने भी एटम्स हो वो मुकम्मल तौर पे एक जैसे हो, उनमें किसी किस्म का डिफरेंस ना। इसके लिए हमारे पास जो इंग्लिश का वर्ड है दैट इज आइडेंटिकल, एक जैसे। तो हर वो सब्सटेंस जिसमें बेशुमार एटम्स हो और वो सारे के सारे एटम एक जैसे हो, यानी आइडेंटिकल हो, उसको एलिमेंट बोलेंगे। और आइडेंटिकल पहचानने का तरीका, क्योंकि डेफिनेशन में नहीं होगा इस पर मैं जोर दे रहा हूँ, तो आइडेंटिकल पहचानने का तरीका यह है कि उनके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होगी, जिनको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब क्योंकि एटॉमिक नंबर चैप्टर 1 में दोबारा आएगा और वहाँ पढ़ना है, तो फिर आप इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, एटॉमिक नंबर का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और अब बात आपकी समझ में आ जाए। तो हर वो सब्सटेंस जिसपे लातादाद एटम हो और वो सारे के सारे एटम एक जैसे हो, तो दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। तो अभी एलिमेंट की हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिखे सब। आप में से वो लोग जिनके पास पहले से लिखी हुई है तो मत लिखिएगा, और जिनके पास नहीं लिखी हुई है तो वो लिखें, और प्रॉपर कॉपी और पेन मार्कर सब लेके बैठे, प्रॉपर काम करना है आपको। नोट्स नहीं होते मेरे, क्लास में ही नोट्स बनवाता हूँ मैंने, यही आपने याद करने हैं, लिहाजा ये आपके पास होने चाहिए। काम बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। लिखे शाबाश। ऑल दो सब्सटेंसेस, ऑल दो सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ, ऑल दो सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ, ऑल दो सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल एटम्स कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स, कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिकल एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। अच्छा, अब एग्जाम्पल हम कॉमन लाइफ की लिखेंगे, रूटीन लाइफ की जो आपको आसपास दिखती है, ऐसी एग्जाम्पल लिखेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे हम। जैसे मिसाल के तौर पे आप मेरे साथ साथ रहेंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे सिंबल के साथ, जैसे गो, जैसे आयरन सबसे पहले एफ का सिंबल है, कॉमन लाइफ में दिखता है, गोल्ड घरों में दिखता है, इसका सिंबल है AU, ऑक्सीजन दिखता नहीं है पर आप सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं, इसका सिंबल है O, हाँ सर पढ़ा दिया था पर कुछ लोगों ने रिपीट करने का बोला है, तो मैंने कहा मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हुज़ैफ़ा, वो आवाज़ कभी कभार बीच में आगे पीछे होती है, वैसे मेरे एंड पे बिल्कुल ओके है, पर अगर बहुत ज़्यादा मसला हो तो आप रीज्वाइनिंग दे देना, और ज़्यादातर लोगों को मुश्किल है तो मैं रीज्वाइनिंग दे देता हूँ, पर किसी और ने बोला नहीं है अभी, तो लिहाजा आप थोड़ा सा वेट करो, वो चंद सेकंड में ठीक हो जाएगी।
इंटरनेट की वजह से होती है, और अगर वो रिटेन करे मसला तो आपको रिज्वाइन कर लेना। ठीक है भाई, आसन क्लियर हो गई ये बात आपको कि मैं ऐसे रिपीट कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा तो दिया था ये, तो कुछ लोगों ने बोला है कि उनके पास नहीं है ये काम, तो मैंने इसीलिए जल्दी से लिखवा दिया। तो एग्जाम्पल में गोल्ड आ गया, AU सिल्वर आ गया, AG ऑक्सीजन आ गया, O हाइड्रोजन आ गया, H सल्फर आ गया, S फॉस्फोरस आ गया, P, ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल्स, ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल्स। वीडियोस अपनी बंद करते हैं काइंडली सारे लोग, वीडियोस ऑफ रखा करें। चलें अब अगली एडिंग डाल दें आप, कंपाउंड्स। एलिमेंट में अगर किसी को मसला है, एग्जांपल में कोई मसला है तो मुझे बता दें, और अगर मसला नहीं है तो एडिंग डाल दें कंपाउंड्स। चैट बॉक्स में मुझे बता देना अगर आपको कोई मसला होता है, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। तो एलिमेंट में अगर कोई मसला नहीं है तो हाइड्रेन डाल दें कंपाउंड्स, और एग्जाम्पल जरूर लिखनी है आपने। मैंने जितनी बताई है उतनी ना लिखे, पर दो तीन एग्जाम्पल जरूर लिखनी है आपने। चलें भाई, तो कंपाउंड्स पे आते हैं। तो कंपाउंड में क्या लिखा हुआ भाई, ये जरा सुनना है आपने। कंपाउंड में लिखा है कंपाउंड इज दी केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, और नीचे लिखा हुआ है रेशियो इज फिक्स। तो मेरे हिसाब से कंपाउंड की डेफिनेशन में तीन शर्तें लिखी हैं। ठीक है भाई, मेरा जो ओपिनियन है, जो मेरा हिसाब किताब है, उस लिहाज से कंपाउंड की डेफिनेशन में तीन शर्तें या लिमिटेशंस लिखी हुई। पहली शर्त यह है कि जो कमजोर चीजें आपस में मिलनी होंगी वो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है भाई, पहली शर्त क्या हो गई कि जो चीजें आपस में कंबाइन होंगी दीज आर एलिमेंट्स, एलिमेंट आपस में मिलके कंपाउंड बनाएंगे, एलिमेंट के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तो पहली शर्त ये हो गई कि जो चीजें आपस में कंबाइन होंगे दीज आर एलिमेंट्स। दूसरी इसमें जो शर्त लिखी हुई है वो त्वचा तलब है, वो है केमिकल कम्बिनेशन। तो केमिकल कम्बिनेशन का मतलब है कि देयर शुड बी चेंज इन प्रॉपर्टीज। हाँ भाई, केमिकल कम्बिनेशन का मतलब है देयर शुड बी चेंज इन प्रॉपर्टीज, यानी जब एलिमेंट आपस में मिलकर कंपाउंड बनाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज का चेंज होना मस्ट। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से साबित करूंगा थोड़ी देर में, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो केमिकली का मतलब क्या है कि प्रॉपर्टीज का चेंज होना जरूरी। हसन अभी कंटिन्यू चल रहा है, थोड़ा सबर करें, अभी पूरा जब मैं एग्जांपल दे दूं उसके बाद फिर ये है कि मैं आपको चैट बॉक्स पे बोलूंगा लिखने को, फिर मैं रिपीट। अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ ना, फिक्र ना करें, समझ में आ जाएगा। तो पहली शर्त यह है कि कंपाउंड को बनाने के लिए जो चीजें आपस में कंबाइन होंगी वो एलिमेंट्स होने चाहिए। ये पहली शर्त है कि उनके जो चीजें कंबाइन हो रही हो वो कौन हो, एलिमेंट्स हो। शर्त नंबर एक है। शर्त नंबर दो ये है कि जो जो एलिमेंट आपस में मिलके कंपाउंड बनाएंगे उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। केमिकली का मतलब उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो। और रेशो फिक्स होने का मतलब है कि जो उनकी क्वांटिटी आपस में कंबाइन होगी, जो उनके
ठीक है भाई। और तीसरी शर्त यह है कि जो एटम उनके कंबाइन होके कंपाउंड बनाएंगे, एलिमेंट की जो तादाद कंबाइन हो कंपाउंड बनाएगी वो तादाद फिक्स होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज अलाउड नहीं। उस पे किसी किस्म का चेंज अलाउ नहीं। अच्छा हुजैफा, आपको आवाज, हुजैफा के अलावा और कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही? पहले ये क्लियर कर दें फिर मैं पढ़ाना दोबारा शुरू करूं। उजैफा के अलावा और कितने लोग हैं जिनको आवाज नहीं आ रही? अच्छा, अब बच्चा कौन? वजाद, वजाद हुसैन। वजाद, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको एलिमेंट क्लियर हो गया तो आप मुझे बता दें। यार वो मैंने डिसेबल की थी किसी वजह से, वो ऑन कर दी ना, वो आप देख लिया करें म्यूट। आवाज मैंने म्यूट कर दी थी, अब दोबारा खोल दी है, तो वो आप परेशान ना हो करें। बात समझ में ना आए तो जरा खतरनाक बात है। आवाज अगर कभी बंद हो जाए ना तो आप वो देख दिए, वो देख लिया करें अपना। स्टार्टिंग से मुराद कंपाउंड कह रहे हो ना आप, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। एलिमेंट बोल रहे हो या कंपाउंड कह रहे हो? वजात, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कंपाउंड की बात कर रहे हो या एलिमेंट? एलिमेंट तो मैंने बहुत देर हो गई पढ़ा दिया, कंपाउंड की बात कर रहे हो तो कंपाउंड अभी चल रहा है। अभी मैंने कंपाउंड के एग्जाम्पल्स तो बताई नहीं, अभी तो डेफिनेशन ऐसे स्टार्ट लिए मैंने। हाँ, कंपाउंड अभी चल रहा है ना, परेशान ना हो, कंपाउंड अभी चल रहा है। तो कंपाउंड के लिए हमने पहली शर्त क्या रखी भाई, कि कंपाउंड में जो चीजें, अब मैं पूरा पढ़ा दूं ना फिर चैट बॉक्स में लिखना है, वो बीच बीच में आप लिखते हो ना तो फिर मैं चैट बॉक्स खोलने लग जाता हूँ तो वो डाइवर्ट हो जाता है। मैं पूरा पढ़ा दूं, एग्जाम्पल दे दूं, उसके बाद क्लियर नहीं होगा तो फिर बता देना, मैं रिवाइज कर दूंगा, मैं कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो पहली शर्त यह हो गई कि जो चीजें आपस में कंबाइन होंगी वो एलिमेंट्स होनी चाहिए। पहली शर्त यह हो गई कि जब कंपाउंड बनाना है तो जिन चीजों को मिलाना है वो दे शुड बी एलिमेंट्स। दूसरी शर्त यह है कि जब वो आपस में कंबाइन होंगे एलिमेंट कंपाउंड बनाने के लिए, तो उनको अपनी प्रॉपर्टीज की कुर्बानी देनी होगी, उनको अपनी प्रॉपर्टीज की कुर्बानी देने से मतलब है उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, पुरानी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, नई प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। और तीसरी शर्त यह है कि जब वो कंबाइन होंगे तो उनकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी वो इंसान के कंट्रोल में नहीं होगी। एटम की जो तादाद है वो नेचर डिसाइड करेगी, इंसान उसमें किसी किस्म का चेंज, इंसान उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं कर सकता। अब मैं आपको बारी बारी एग्जाम्पल बता रहा हूं, फिर आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, फिर आप मुझसे क्यूरियस करना। मिसाल के तौर पे सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक, सोडियम एलिमेंट है, उसका सिंबल है Na। सोडियम एक एलिमेंट है, इतना मशहूर नहीं है पर सोडियम एक एलिमेंट है, पढ़ाई में बहुत आता है इसका जिक्र, और अगर आप उसको हाथ से छुएंगे तो आपके हाथ जला देंगे। तो सोडियम एक ऐसा एलिमेंट हो गया जो कि स्किन के लिए हार्मफुल है, अगर आपने उसको पकड़ा अपने हाथ से तो वो आपका हाथ जला देगा। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, आपने जहन में बिठा ली कि सोडियम एक एलिमेंट है जो कि आप टच नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपकी स्किन खराब करेगी। फिर दूसरा एक एलिमेंट है क्लोरीन, दूसरा एक एलिमेंट है कौन, क्लोरीन, और क्लोरीन गैस है, और गैस अगर चलो आप नहीं भी पढ़ो भी तो खास बात क्या है, क्लोरीन पॉइजनस है, अगर आप इसको इनहेल करेंगे तो क्लोरीन एक पॉइजनस गैस है, अगर आप उसको इनहेल करेंगे तो इनहेल करने से आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, मसला हो सकता है, आपको परेशान होंगे, ज्यादा इनहेल कर ली तो बेहोश भी हो सकता है। तो ये मैंने दो इन्फॉर्मेशन दी है आपको, जो लॉजिकल कोई बात नहीं की, मैंने इन्फॉर्मेशन दी है सोडियम के बारे में कि वो हार्मफुल है स्किन के लिए, और क्लोरीन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी कि वो इनहेल करने में मसला है। अब जब यही दोनों चीजें, चैट बॉक्स देखिएगा, चैट बॉक्स देखिएगा, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, यही दोनों चीजें जब इस तरह से कंबाइन होंगी,
यही दोनों चीजें जब कंबाइन होंगी इस तरह से, जरा चैट बॉक्स देखिएगा, तो सोडियम और क्लोरीन के कंबाइन होने से NaCl बनेगा और NaCl जो है वो कंपाउंड है, और यही वो NaCl जो आप खाने के नमक के तौर पे खाते हैं। तो अब देखो इसमें दो शर्तें तो दिख रही है, पहली शर्त ये थी कि जो चीज आपस में मिलेंगी वो एलिमेंट होनी चाहिए, तो सोडियम एलिमेंट है और क्लोरीन एलिमेंट है, पहली शर्त पूरी हो गई, सोडियम भी एलिमेंट है क्लोरीन भी एलिमेंट है। दूसरी शर्त पूरी होनी चाहिए कि प्रॉपर्टीज चेंज होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि सोडियम हार्मफुल है स्किन के लिए, मैंने आपको बताया क्लोरीन इनहेल करने पे मर सकते हैं, आपने मरना नहीं लेकिन बेहोश हो सकते हैं, पर NaCl तो आप रोज खाते हैं, तो क्या NaCl को छूने से कोई मसला होता है आप, या NaCl को खाने से आप बेहोश हो जाते हैं? नहीं ना, इसका मतलब है कि सोडियम और क्लोरीन ने जब NaCl बनाया तो सोडियम और क्लोरीन ने अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर ली, सोडियम पहले हार्मफुल था अब नहीं है, क्लोरीन पहले हार्मफुल था अब ये नहीं, अब जब ये दोनों मिलके NaCl बना चुके हैं कंपाउंड की फॉर्म में, तो अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई है, चेंज हो गई, अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, चेंज हो गई, सोडियम की प्रॉपर्टीज खत्म, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज खत्म, और NaCl की अपनी जाती प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो इस बात को मैंने तफसील से कहा था, इसको बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज, प्रॉपर्टीज क्या होंगी भाई, चेंज। अब आखिरी बात करते हैं फिक्स रेशो, फिक्स रेशो में क्या लिखा हुआ है, फिक्स रेशो में ये लिखा हुआ है, ये बताया मैंने आपको फिक्स रेशो में कि एटम की जो तादाद है वो ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है, तो ये NaCl दिख रहा है आपको। अब मिसाल के तौर पे किसी इंसान का दिल ये चाहे कि यहाँ पे सोडियम का एक एटम के बजाय दो एटम हो और क्लोरीन का भले एक एटम हो और फॉर्मूला हो जाए Na2Cl, किसी इंसान ने सोचा ऐसा, और कंटेनर में उसने दो सोडियम डाले और एक Cl डाला, तो ये इंसान के कंट्रोल से बाहर है, लिहाजा बनेगा ये NaCl ही, क्या बनेगा, NaCl ही बनेगा, इस पे NaCl ही बनेगा, वो जो एक दो एटम सोडियम के डाले उसमें से एक NaCl बना लेगा और एक पड़ा रहेगा, पर वो इस्तेमाल नहीं होगा, यानी रेशो यहाँ पे हो गया 1:1, 1:1 का मतलब है दोनों का एक एक एटम है और ये रेशो फिक्स है, ये इंसान के कंट्रोल से बाहर है। तो तीनों शर्तें मैंने आपको एग्जांपल में दिखा दी कि जो चीजें मिल रही है वो एलिमेंट्स हैं, नंबर वन, नंबर टू उनके मिलने से उनकी क्या चेंज हो रही है प्रॉपर्टीज, और नंबर थ्री कि उनका जो एटम की तादाद है या उनकी अपनी क्वांटिटी है वो इंसान के कंट्रोल से बाहर है, उसकी तादाद फिक्स है, उस पर किसी किस्म की चेंजिंग पॉसिबल नहीं। तो ये अब कंप्लीट डेफिनेशन मेरी कंप्लीट हो गई, अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि समझ में आ गया या कोई बात रिवाइज करनी है तो बताइए। फिक्स रेशो का मतलब जैसे मैं एग्जांपल फिक्स रेशो की एक एग्जांपल और ले लें आप, जैसे फिक्स रेशो में पानी की एग्जांपल ले लें आप, तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, समझ रहे हो आप बात, तो अगर मेरा दिल चाहे कि मैं पानी बनाते हुए हाइड्रोजन के तीन एटम ले लूं और H3O बना लूं तो नहीं बन सकता, अगर मैं कंटेनर में तीन एटम डाल भी दूंगा तो दो एटम इस्तेमाल होंगे, एक पड़ा रहेगा पर वो इस्तेमाल नहीं होगा, इसका मतलब है फॉर्मूला H2O ही होगा, रेशो 2:1 ही होगा, उसमें किसी किस्म की चेंजिंग इंसान को अलाउ नेचर ने नहीं की, इंसान कोशिश करे भी तो ऐसा पॉसिबल नहीं, इसको बोलते हैं फिक्स रेशो। पूरी क्लास ओके दे दे तो मैं डेफिनेशन लिखवाऊं, घबराया नहीं करें आप लोग, फौरन घबरा जाते हैं, ऑनलाइन लेक्चर आपके लिए भी नहीं है मेरे लिए भी नहीं है, घबराया नहीं करें, बस क्वेश्चन आप कर लिया करें, वो मैं रिपीट कर दिया करूंगा, समझ में आ ही जाएगा। चले कंपाउंड की डेफिनेशन लिखे सब, शाबाश, पूरी क्लास डेफिनेशन लिखे, हेडिंग डालने कंपाउंड्स उसमें लिखें, चलो भाई डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली, When two or more elements combine chemically,
इन अ फिक्स रेशियो व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स रेशियो. हाँ भाई, कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स रेशियो देन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड. हाँ भाई, कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स रेशियो देन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड. Then compounds are formed. Then compounds are formed. अच्छा, अब example आप मोटी मोटी वो example लिखें जो common life में आप पढ़ते हैं. Common life की जो example है वो लिखते हैं, जैसे कि water लिखें आप. हसन, रेशो मैंने तीन चार दफा क्लियर किया है. अगर आप देखो, इतना मुश्किल बात नहीं है. मैं आपके सामने वाटर H2O दिख रहा है, तो मैं चाहूं कि ये H3O हो जाए तो नहीं हो सकता. अगर मैं चाहूं कि ये H2O2 हो जाए और पानी कहलाए तो नहीं हो सकता. यानी रेशो ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है. जैसे मिसाल के तौर पर अगर CO2 लिखता हूं मैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पढ़ा होगा आपने, तो कार्बन डाइऑक्साइड में रेशो है 1:2, पानी में रेशो है 2:1. अब इंसान चाहे कि दोनों का रेशो बराबर हो जाए, दोनों या तो 2:1 हो जाए या दोनों 1:2 हो जाए, तो नहीं हो सकता. वाटर का 2:1 फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1:2 फिक्स है. इसमें कोई तब्दीली अलाउ नहीं है. अलाउ सुमरात पॉसिबल नहीं है. नेचर ने ये अख्तियार इंसान को नहीं दिया. हाँ, H4O2 भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, कोई किसी किस्म की चेंजिंग नहीं हो सकती. आई होप कि अब बात क्लियर हो गई है. इसके अलावा सॉल्ट लिख दें आप, जैसे NaCl है. मिथेन लिख दें आप, जो आपके किचन में गैस आती है मिथेन. तो ऑल दीज आर दी एग्जांपल्स. एग्जांपल हमेशा ऐसी लिखी करें जो कॉमन लाइफ में दिख रही हो, ताकि आपको कम मेहनत करनी पड़े, आपका जहन आसानी से अब्सॉर्ब कर ले. अब अगर किसी को कंपाउंड में कोई मसला है तो चैट बॉक्स में बताएं, अदरवाइज हम डेफिनेशन नंबर 3 पे जाएंगे. मुबशर, कैमरा बंद करो. क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड. मजहर ने ओके दे दिया, बाकी लोग सवाल नहीं कर रहे. श्रोता भाई, क्लियर हो गया. अब मैं चाहता हूं कि मिक्सचर में अपने तरीके से आपको समझाऊं, इस तरह से कि आप डेफिनेशन खुद बनाए उर्दू में. भले इंग्लिश में मैं बनाऊंगा, पर उर्दू में आप डेफिनेशन खुद बनाए अपने जहन. अब मैंने आपसे ये कहा कि कंपाउंड की डेफिनेशन में जो तीन शर्तें आपने रखी, कंपाउंड की डेफिनेशन में आपने जो तीन शर्तें रखी हैं, बारी बारी वो तीनों शर्तें हटा दें. एलिमेंट वाली एक शर्त थी, केमिकल दूसरी शर्त थी, फिक्स रेशो तीसरी शर्त. बारी बारी वो तीनों शर्तें हटा दें. तो तीनों शर्तें हटाने के बाद जो कम जो सब्सटेंस बनेगा उसको बोलेंगे मिक्सचर. तीन शर्तें हमने हटा दी. एलिमेंट की जगह पे हमने सब्सटेंस का वर्ड इस्तेमाल किया, केमिकल की जगह पे फिजिकल, और फिक्स रेशो को हमने विदाउट कर दिया फिक्स रेशो. तीनों शर्तें हटा दी हमने. तो अब जो सब्सटेंस बनेगा वो होगा मिक्सचर. अब जरा इस बात को डिटेल में समझ लें आप. पहली शर्त हटाने का मतलब यह है कि आप जिन चीजों को आप मिला रहे हैं वो सब्सटेंस का मतलब कुछ भी हो सकता है. दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, दो कंपाउंड भी हो सकते हैं, दो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड हो सकता है. इवन मिक्सचर से भी नया मिक्सचर बन सकता है. मिक्सचर से भी नया मिक्सचर बन सकता है. तो पहली बात शर्त बात क्या हो गई, शर्त तो नहीं बोलना चाहिए. पहली बात क्या हो गई कि जिन चीजों को आप मिलाएंगे उनका एलिमेंट होना जरूरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है. जिन चीजों को आप मिलाएंगे उनका एलिमेंट होना जरूरी नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है.
जैसे शुगर और वाटर, बिल्कुल सही बात है। जयाम सिद्दीकी ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी, वेरी नाइस। अभी एग्जांपल पे आता हूँ मैं, पर आपने सही एग्जांपल दी तो अप्रिशिएट करना चाहिए। फिजिकल कम्बिनेशन का मतलब है कि प्रॉपर्टीज में किसी किस्म का चेंज नहीं है। फिजिकल कम्बिनेशन का मतलब है कि प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि अभी एग्जांपल किसी ने दी शुगर और वाटर की, जयाम ने दी, तो अगर अभी एग्जाम्पल, अभी हसन बताते हैं। तो अगर आप पानी में शुगर डाल देंगे, शक्कर डाल देंगे, तो पानी और शक्कर दोनों की प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुगर पहले भी मीठा था, अभी भी मीठा होगा। पानी पहले भी लिक्विड फॉर्म में दिख रहा था, अभी भी दिखेगा। तो फिजिकल कम्बिनेशन का मतलब है प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा। पहली शर्त क्या हो गई, पहली बात क्या हो गई कि किसी भी चीज को मिला दो। दूसरी बात क्या हो गई कि उनकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप दूध में रूह अफ़ज़ा मिलाते हैं, ये हसन के लिए खास, हसन ट्रेडर सुना सुना नाम लग रहा है मुझे, हसन ट्रेडर, तो हसन ट्रेडर के लिए खास तौर पर है कि अगर आप रूह अफ़ज़ा मिलाते हैं मिक्सर मिल्क में, तो जो रूह अफ़ज़ा है वो भी मिक्सर है और जो मिल्क है वो भी मिक्सर है। तो रूह अफ़ज़ा और मिल्क के मिलाने से जो नई चीज बनेगी वो भी मिक्सर होगा। ना मिल्क की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क पड़ेगा, ना रूह अफ़ज़ा की प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क पड़ेगा। यह हसन आपके लिए था खास। और फिक्स रेशो, विदाउट फिक्स रेशो का मतलब क्या है, तो उनको मिलाते हुए क्वांटिटी इंसान के कंट्रोल में है। अगर मैं रूह अफ़ज़ा कल ज्यादा डाल दूं, आज कम डाल दूं, परसों फिर कम डाल दूं, तरसों ज्यादा डाल दूं, तो हर दफा मैं यही बोलूंगा कि मैंने मिक्सर बनाया है और रूह अफ़ज़ा और दूध का बनाया है। क्वांटिटी हमारे कंट्रोल में, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। क्वांटिटी का किसी किस्म का टेंशन नहीं है, समझ रहे हैं आप बात। क्वांटिटी की किसी किस्म की टेंशन नहीं है। क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है। तो अब उर्दू में बात, तो उर्दू में मैंने बात क्लियर कर दी है कि अगर आप दो या दो से ज्यादा चीजों को मिला रहे हैं और इस तरह से मिला रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज में कोई तब्दीली नहीं आ रही। देखो सॉल्यूशन अभी नहीं पढ़ा रहा, लिहाजा सॉल्यूशन पे नहीं जाओ अभी, ठीक है। जो चीज पढ़ रहे हैं अभी पहला लेक्चर है, सॉल्यूशन पे नहीं जाओ। सॉल्यूशन चैप्टर 7 आएगा, 7 में बहुत टाइम। रूह-अफ़ज़ा एक मिक्सर है, क्योंकि ना वो एलिमेंट की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, ना वो कंपाउंड की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, ना उसका कोई सिंबल है, ना उसमें आइडेंटिकल एटम है, ना उसमें एलिमेंट से बन रहा है वो, ना उसमें रेशियो फिक्स है, तो ना वो एलिमेंट है ना वो कंपाउंड है, तो वो मिक्सचर है। मिल्क में भी यही चक्कर है, मिल्क पीने से आपको पता नहीं कितनी तरह की चीजें मिलती हैं, कैल्शियम भी, ये भी, वो भी, वो भी जो है वो मुख्तलिफ चीजों से बनता है, ना वो एलिमेंट की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, ना वो कंपाउंड की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, तो वो भी मिक्सचर है। तो मिल्क भी मिक्सचर है और रूह अफ़ज़ा भी मिक्सचर है। इनको मिलाने से जो नई चीज बनेगी वो भी क्या होगी, मिक्सचर होगी। इससे आसान बात क्या होगी, जो दो चीजें आप मिला रहे हैं वो भी मिक्सचर है और जो तीसरी चीज आपने बना दी वो भी मिक्सर है। बात अब क्लियर हो गई। तो दो मिक्सर मिला के तीसरा मिक्सर बना लो आप। जैसे आपने चाय में बिस्किट डुबोया, चलें अब जरा एग्जांपल को बिल्कुल खालिस खालिस एग्जांपल ले आते हैं घरेलू, कि चाय में आपने बिस्किट डुबोया तो जो चाय है वो भी मिक्सचर है, ना वो एलिमेंट की डेफिनेशन फॉलो कर रहा है ना कंपाउंड की, और जो बिस्किट है वो भी मिक्सचर है, उसमें भी पता नहीं कितनी चीजें होती होंगी। तो चाय और बिस्किट अगर आप मिला दें, खाई नहीं बस मिला दें, चाय को बिस्किट को वहीं डाल के छोड़ दें, तो अब वो चाय और बिस्किट की जो नई चीज बनेगी वो भी क्या होगी, मिक्सचर ही होगी। और रेशो आपके कंट्रोल में, एक एक बिस्किट डालो या चार बिस्किट डालो वो मिक्सचर ही कहलाएगा। तो क्वांटिटी का भी कोई इशू नहीं है। तो सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मिक्सचर। चले पूरी क्लास डेफिनेशन लिखे। दस मिनट में हम ऑफ करेंगे ताकि नमाज कजा ना हो जाए, वरना नमाज कजा हो जाएगी। तो इसीलिए इंशाल्लाह ठीक 6 बजे शुरू कर दिया करेंगे हम, और अगर हमने ठीक 6 बजे शुरू नहीं किया कल या किसी भी दिन, तो फिर नमाज का ब्रेक लेंगे, क्योंकि नमाज जरूरी है। तो अभी हम जो है वो तकरीबन 10 मिनट में लेक्चर आज का ऑफ करेंगे, तो उसके बाद यह कि नमाज पढ़ लें हम सब। तो डेफिनेशन लिख लें मिक्सर की सब लोग, शाबाश। पूरी क्लास मिक्सर की डेफिनेशन लिखें, उसके बाद कोई भी क्यूरी हो तो आप सवाल कर लीजिएगा।
वेंट टू चले भाई डेफिनेशन लेके व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड फिजिकली व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंड फिजिकली विदाउट एनी फिक्स रेशियो कंबाइंड फिजिकली without any fixed ratio then mixtures are formed example agar aap again common life ki likhein jo ki maine aapko baaton baaton mein batayi jaise milk bataya maine aapko juices bataya roop za mat likh dijiyega juices likhenge uski jagah pe ब्लड बताया मैंने आपको फूड प्रोडक्ट जितने भी खाने की चीजें हैं फ्रूट्स हो गए सारे के सारे जूसेस हो गए ऑल दीज आर मिक्सचर पेंट हो गया पेंट हाँ पेंट मेरे जहन में आ रहा था पेंट इज अ मिक्सचर फिर कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं आप घरों में ना घर बनाने के लिए कंक्रीट सीमेंट मिलाते हैं मिट्टी मिलाते हैं कॉन्क्रीट वो भी मिक्सचर है ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल इसमें जितनी आप लिखना चाहें आप लिख सकते दो तीन चार एग्जाम्पल जितनी आपका लिखने का मूड हो आप लिखना अगर किसी को कोई मसला है तो चैट बॉक्स में बता दें आगे बढ़ गैलेक्सी सी फाइव कल से आना तो अपना नाम लिख देना यार मुखातिब करने में अच्छा लगेगा तो ये गैलेक्सी सी फाइव का जवाब ये है कि ये चैप्टर टू शुरू किया शुगर और सॉल्ट भी हो सकते हैं बिल्कुल सही है शुगर और सॉल्ट को मिलाते हैं खाना पकाते हुए पता नहीं कितनी चीज आप मिलाते हैं वो मिक्सर होता है सबने अगर मिक्सर लिख लिया है कोई परेशानी नहीं है तो काइंडली मुझे ओके दे दे क्लियर हो गया सबको हाँ मिक्सर की टाइप्स होती है सन पर वो फिलहाल पढ़नी नहीं है हमें जब उसका वक्त आएगा चैप्टर सेवन जब पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे होमोजेनस और हेटरोजेनस दो तरह के मिक्सर होते हैं पर वो फिलहाल नहीं पढ़ना हमें अभी हम क्योंकि बिल्कुल बिस्मिल्लाह स्टार्ट ले रहे हैं तो हमने बस कॉन्सेप्ट बना लिया कि मिक्सर होता क्या टाइप्स फिलहाल नहीं पढ़ रहे वो चैप्टर सेवन में पढ़ेंगे ठीक चले भाई अब चैप्टर नंबर टू को आगे बढ़ाते हैं आप दो डेफिनेशन आपको इस स्लाइड पे दिख रही है ये मिनिमम टारगेट है आज का अगर हम इतना पढ़ लेते हैं तो टारगेट पूरा हो जाएगा एक सॉलिड और एक लिक्विड चले बारी बारी पढ़ते हैं बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है आपके लेवल पे सॉलिड उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसको कुदरती तौर पे ये सलाहियत हासिल होती है कि वो अपनी शेप को भी चेंज नहीं करता और अपने वॉल्यूम को भी चेंज नहीं करता तो आपको अपने आस पास जितनी भी चीजें दिख रही हैं कोई अलग से आसमानी पढ़ाई नहीं है आपको अपने आसपास जितनी भी ऐसी चीजें दिख रही हैं, जो अपनी शक्ल को भी मेंटेन कर रही हैं और वॉल्यूम को भी मेंटेन कर रही हैं, वॉल्यूम जिनको भूल गया है वॉल्यूम का मतलब होता है जगह घेरना
तो शक्ल भी वो अपनी मेंटेन कर रहे हैं और जो जगह वो घेर रहे हैं वो भी फिक्स है, तो उस सूरत में दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सॉलिड्स। तो हर वो सब्सटेंस जिसकी शक्ल भी चेंज ना हो और जिसकी घेरी भी जगह यानी वॉल्यूम भी चेंज ना हो उसको हम सॉलिड बोलेंगे। अभी एग्जांपल देता हूँ मैं पार्टिकल्स के लिहाज से, याद रखें क्योंकि सॉलिड का अलग से पोर्शन है पूरा, जिसकी बारी आएगी पढ़ने की। आवाज आ रही है सबको मेरी? जरा ओके लिख के कंफर्म कर दें। हाँ थोड़ी थोड़ी देर से बिल्कुल आप लोग गायब हो जाते हो तो मैं जरा परेशान हो जाता हूँ, बीच बीच में जरा इंडिकेशन दे दिया करो। हाँ तो हर वो सब्सटेंस जो अपनी शक्ल भी चेंज ना करे, वॉल्यूम को भी चेंज ना करे, वो सॉलिड है। और जैसे मैंने कहा कि सॉलिड का अलग से पूरा पोर्शन आएगा तो वहाँ इसकी डिटेल आएगी। फिलहाल एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, यानी सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो चिपके हुए होते हैं। अब इसकी डिटेल पढ़ेंगे जब सॉलिड के बारे में तफसील से पढ़ेंगे, फिलहाल इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे याद रखें कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं अगर किसी को क्लियर नहीं है। मिसाल के तौर पे अब ये जो बोर्ड मार्कर इस्तेमाल करते हैं अब बोर्ड मार्कर की आपको पता है शक्ल तो फिक्स है, सबको पता है ये बात, शक्ल फिक्स है। साथ में जो जगह गिर रहा है वो भी फिक्स है। कैसे सबूत मिल रहा है कि अगर एक बोर्ड मार्कर के डिब्बे में 10 मार्कर आते हैं तो हमेशा 10 ही आएंगे? ऐसा नहीं है कि कभी 11 आ जाएंगे या 12 आ जाएंगे, 10 ही आएंगे। 10 पे वो पहले भरता था, अभी भी 10 पे भरेगा, क्योंकि जितनी जगह एक दफा वो घेर रहे हैं अगली दफा भी उतनी जगह घेरेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो सॉलिड अपना वॉल्यूम भी चेंज नहीं करता और उसकी शक्ल भी फिक्स होती है, पार्टिकल्स उससे क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर किसी को डेफिनेशन में कोई मसला है तो चैट बॉक्स में बताएगा मुझे। अच्छा आप एग्जाम्पल का स्टाइल सुन ले भाई। एग्जाम्पल का स्टाइल ये है कि आपने एग्जाम्पल को कैटेगरी में डिवाइड करना है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। यानी एग्जाम्पल आप मुझे एक ऐसी बताएं जो एलिमेंट हो, एक ऐसी बताएं जो कंपाउंड हो और एक ऐसी बताएं जो मिक्सचर हो, क्योंकि मैंने आपको ये तीनों आज पढ़ा दिए हैं लिहाजा आपको बताना चाहिए। नहीं डिफॉर्मेशन क्योंकि एक्सटर्नल हीटिंग से होता है फायर, आपने पढ़ा हुआ है इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं, तो बहुत अच्छी बात है। खैर पढ़ा हुआ है तो डिफॉर्मेशन इज एबिलिटी ऑफ सॉलिड और ये इसके बिहेवियर में काउंट होता है पर डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये खुद से नहीं होता, ये करवाना पड़ता है। यानी डिफॉर्मेशन खुद से नहीं होगा, आप हैमरिंग करेंगे दबाएंगे तब होगा वरना नहीं होगा। दैट्स व्हाई डेफिनेशन जो है वो नेचुरल बिहेवियर पड़ती है। तो नेचुरल बिहेवियर ये है कि अगर उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए तो उसकी शेप में कभी भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। आई होप कि आप मेरी मैसेज समझ गए जो मैं आपको देना चाह रहा हूं। गुड। अच्छा जी तो मैंने जैसे कहा कि एग्जांपल को कैटेगरी में डिवाइड करना है तो एलिमेंट की एक कैटेगरी हमने बनानी है। तो एलिमेंट में आपको पता है कौन कौन आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, ये सारे के सारे सॉलिड हैं, सारे के सारे जो है ये अपना कॉमन लाइफ में देखते हैं आप, तो ये सॉलिड भी हैं साथ में एलिमेंट भी हैं। ठीक है, आयरन भी देखा है सबने, गोल्ड भी सबने देखा है और सल्फर पानी में डलता है गंदा वो भी सबने देखा है। तो ऑल दीज आर दी एग्जांपल्स जो के सॉलिड के साथ साथ एलिमेंट्स हैं। इसी तरह कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड में हमारे पास शुगर है, सॉल्ट है, सैंड है, मिट्टी, ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जो कंपाउंड भी हैं। ये शुगर को मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, जरा परेशान मत होइए। तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल जो है ये कंपाउंड भी हैं और साथ में दीज आर सॉलिड्स। और इसी तरह अगर मिक्सर की कैटेगरी बनाएं तो मिक्सर में जो सबसे मशहूर है वो स्टील है जिससे खिड़कियां बनती हैं। इसके अलावा ब्रास और ब्रॉन्ज आपने पढ़े थे 9 में जिससे
मेडल्स बनते हैं और सिक्के बनते हैं, कॉइन्स। तो एग्जाम्पल हमारे पास काफी सारी आ गई, कैटेगरी भी बना दी हमने। अल्मोनियम बिल्कुल सही एग्जाम्पल है और ये एलिमेंट है, ठीक है। हसन, अल्मोनियम इज वेरी गुड एग्जाम्पल। और ये कौन है? एलिमेंट, इसका सिंबल है Al। चले भाई, सॉलिड की डेफिनेशन लिख ले पूरी क्लास। शाबाश, सॉलिड की डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद चैट बॉक्स में आप मुझे ओके देंगे। एग्जाम्पल तो मैंने बहुत सारी बता दी, वो आप लिख ही लेंगे। ऑल दोज सब्सटेंसेस, ऑल दोज सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, ऑल दोज सब्सटेंसेस हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम हैविंग, ये स्लाइड में ना डिफाइन लिख दिया गलती से, डेफिनेट को परेशान मत होइए। Having definite shape and definite volume, definite का मतलब होता है जिसमें चेंज ना है, ठीक है। Definite shape and definite volume are called solids. Definite shape and definite volume are called solids. Example आप बिल्कुल मेरे पैटर्न पे लिखें, एग्जाम्पल के साथ 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 में ब्रैकेट में E और C और M जरूर लिखना है, ताकि पता हो कि ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है और ये मिक्सर है। यहां तक अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो चैट बॉक्स आपके लिए है, हाजिर है, क्वेश्चन करें। हाँ भाई, चैट बॉक्स में आप लोगों ने बिल्कुल कुछ लिखा हुआ नहीं है, काइंडली मुझे ओके तो दें। हाँ ये किया करें यार, जरा बता दिया करें, सबको क्लियर होगा ये एग्जाम्पल भी और डेफिनेशन भी। वेरी नाइस। आज के लेक्चर में जनरल कोई भी बात रिपीट करवाना चाहे, क्योंकि लिक्विड में आप कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि नमाज निकल जाएगी फिर, तो लिक्विड इंशाल्लाह हम कल करेंगे, ठीक 6 बजे आप लोग ऑनलाइन आ जाइएगा, ताकि हम टाइम जाया ना करें। नहीं ठीक 7 बजे, सॉरी 7 से 8 क्लास है ना। आज के लेक्चर में ओवरऑल अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, कोई मसला, कोई सजेशन, कोई ऐसी बात जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सब क्लियर है? मेरे स्टाइल में, मेरी स्पीड में कोई ऐसा तेज तो नहीं लग रहा आपको? कोई ऐसी बात, कोई हेजिटेशन नहीं रखनी है आपने, क्योंकि हम जाहिर सी बात है दोनों का एक ही मकसद है कि आपके आपको बात समझ में आए, तो वो मकसद पूरा नहीं होगा तो मजा नहीं है ना। सबको क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है, सबने ओके दे दिया है। इंशाल्लाह अब हम कल के लेक्चर में लिक्विड से आगे बढ़ेंगे, और पहला मेन टॉपिक हम शुरू करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। कल रेगुलर रहना है, कॉपी में काम नोट करना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, हेड इन डाल के मार्कर से प्रॉपर तरीके से। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। कोई वैसे सवाल आप करना चाहें तो आप जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे कर सकते हैं। अभी के लिए इंशाल्लाह हम लेक्चर एंड कर रहे हैं, तो कल आपसे मुलाकात होगी 7 बजे इंशाल्लाह। चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, कल मुलाकात करते हैं।